ठीक है बच्चा, और अच्छा परफॉर्म करना है, बहुत इजी टेस्ट है। डेट बता दो बच्चों मेरे को एक बार। 3 ठीक है, तो हम बच्चों ना इनहेरिटेंसी कर रहे हैं, ठीक है। और आज हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है इनहेरिटेंस का, जो कि होने वाला है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ये फटाफट डिसऑर्डर निपटा के ना अपन एक आध वो पेडिग्री वगैरह ना जो मैंने आपको बताया था उनको क्वेश्चन को सॉल्व करने की ना ट्रिक बता दूंगी, क्योंकि वो बच्चों से बहुत कंफ्यूज रहता है। मेरे के सारे एक्चुअली मेरे बच्चे कंफ्यूज नहीं रहेंगे अब, क्योंकि मैं उनको ट्रिक बताने वाली हूँ, ठीक है। पर बाकी बच्चे ऐसे कंफ्यूज रहते हैं कि मैम ऑटोसोमल मदर से बेटी में जा रही है, फादर से किस में जा रही है, मैम नहीं आ वो हो पाता। मैं आपको ना एक बहुत ही इजी सॉर्टेड एनालिसिस बता दूंगी कि आप देखते ही बता दोगे ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, ये करियर है, ये ऑटोसोमल है, या सेक्स है। अपने जो क्वेश्चन बनते हैं ना बच्चा, वो यही बनते हैं कि आपको वो डायग्राम दे दिया, आपको बताना है कि ऑटोसोमल है, ये सेक्स लिंक्ड है, मतलब एस लिंक्ड है कि नहीं है, इसमें कैरियर है फीमेल, कैरियर है तो अपने पास डिजीज भी है लाइक सिकल सेल एनीमिया। तो अपन को ना सारी चीजें यही आज क्लियर कर लेंगे, है ना, है ना। तो कल मेंडेलियन जो डिसऑर्डर मैंने बताए थे बच्चा, वो याद थे ना आपको, क्लियर हुए थे ना। और हाँ, मैंने अपने डीपीपी शेयर कर दिया बच्चा, आप लोगों ने डीपीपी देखी। मैंने कल क्लास के बाद आप बच्चों ने बोला था मैम डीपीपी भेज देना, तो फटाफट मैंने डीपीपी भी शेयर कर दिया आप लोगों से, ग्रुप में जाके एक बार चेक करना, है ना। ठीक है बच्चा, और मैं आपको ना नोट्स भी शेयर कर दूंगी, और रिकॉर्डिंग वाला प्रोसेस चल ही रहा है, तो मैंने वही बोला, मैंने टीम को बात की, फटाफट फटाफट रिकॉर्डिंग वाला भी हो जाएगा, तो टेंशन ना लें, ठीक है। तो हम ना आज करने वाले हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्या करने वाला बच्चा? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। कल हमने मेंडेलियन कर लिए थे, पर हम एक आध मेंडेलियन का और आज देखेंगे, पर वो बाद में देखेंगे, अभी हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो अब क्रोमोसोम डिसऑर्डर के बारे में करने वाले ना सबसे इजी होता है, मैंने आपको क्या बताया कैसे याद रखना है मेंडेलियन जो हम रियल लाइफ में देखते हैं, कि लोगों को किसी को सिकल सेल एनीमिया हो गया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया है, बहुत सारी चीजें जो हो गई। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कैसे कैसे नाम होता है मैम, डाउन सिंड्रोम, ऐसे रियल लाइफ में आपने कभी सुना हो कि अरे उसके बेटे को डाउन सिंड्रोम हो गया, क्यों पेरेंट बोलते हैं वैसे, पर सिकल सेल एनीमिया सुना होगा, थैलेसीमिया सुना होगा, है ना बच्चा। तो वही चीज है, तो आप थोड़ा ऐसे याद रखना कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में और मेंडेलियन में कंफ्यूज ना हो, कि तो भाई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर वो होता है जो मतलब नाम थोड़े अजीब अजीब है। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में ना मेरे बच्चों ये होता है कि जो क्रोमोसोम का नंबर है या तो वो एड हो जाता है या फिर वो कम हो जाता है, या तो कोई एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जुड़ गया है या क्रोमोसोम का नंबर कम हो गया है, ठीक है। या फिर जो अरेंजमेंट था क्रोमोसोम का, लाइक से 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो वो डीअरेंज हो गया है, 1 के बाद सीधा 3 आ गया है, 2 के बाद सीधा 1 आ गया, तो ऐसे ऐसे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एब्सेंस और एक्सेस, और एब्सेंस एक्सेस और अबनॉर्मल अरेंजमेंट, तीन चीजें हैं, ठीक है बच्चा, तीन चीजें हैं, याद रख लो, एब्सेंस एक्सेस और अबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे ना दो टर्म्स आती है, एक आती है एन्यूप्लॉइडी और एक आती है पॉली प्लॉइडी, ठीक है। एनीप्लॉइडी और पॉली प्लॉइडी, मैम क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा, देखो इसके अंदर देखो क्या हो रहा है। एनीप्लॉइडी में क्या हो रहा है, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन मतलब बताया आपको बच्चों अलग अलग होना, है ना। फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड ड्यूरिंग सेल डिवीजन साइकिल, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी क्या हो रहा है।
ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो जा रहा है, गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, देखो, और पॉलीप्लॉइडी में क्या हो रहा है, फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस। बच्चों साइटोकाइनेसिस वो होता है सेल डिवीजन में, हम देखते हैं ना पूरा प्रोसेस हो जाता है, तो साइटोकाइनेसिस यानी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अपन फेज पढ़ते हैं, एनोफेज, क्लियर? अपन फेजेस होती है ना अलग अलग, थर्ड फेज, एनोफेज, फोर्थ फेज, टेलोफेज, बहुत सारी जो अलग अलग चार डिवीजन सेल साइकिल में डिवीजन में होती है ना, तो फोर्थ फेज जो होती है ना एंड फेज, टेलोफेज, वो होती है टेलोफेज फेज ऑफ। अपन ये 11th क्लासेस शुरू करेंगे ना तब देखेंगे। आई थिंक मैंने लिखा है, काफी बच्चों को ना इसी से क्लियर हुआ होगा कि एनिप्लॉयडी और पॉलिप्लॉयडी क्या होता है। तो बच्चों देखो क्या होता है, जब सेग्रीगेशन होता है, जब क्रोमोसोम कोई भी सेल का डिवीजन हो रहा है, तो जब डॉटर सेल बन रहे हैं तो यहाँ से जो क्रोमोसोम के क्रोमेटिड है एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा, तो क्रोमेटिड, अगर क्रोमोसोम्स के जो क्रोमेटिड है वो अगर सेग्रीगेट नहीं कर पाते हैं, तो उसकी वजह से दो चीजें आ जाती है, या तो क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाता है, गेन हो जाता है, या फिर लॉस। एनिप्लॉयडी में क्या होता है, गेन या फिर लॉस ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पे क्रोमोसोम का गेन या लॉस हो रहा है एनिप्लॉयडी में, पर पॉलीप्लॉयडी में क्या हो रहा है कि साइटोकाइनेसिस, जो सेल है उसका साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हो पाता, तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन ही नहीं हो पाता ना, तो क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स का सेट है ना वही बढ़ जा रहा है। ठीक है, एनिप्लॉयडी में क्या हो रहा है, सेग्रीगेशन, क्रोमेटिड, क्रोमोसोम अलग अलग नहीं जा पा रहे। क्रोमोसोम को देखो, डॉट एक ये है सेल, इसको डिवाइड होगा तो क्रोमोसोम का एक पेयर इधर जाएगा और एक पेयर इधर जाएगा, पर क्योंकि एक पेयर इधर और एक पेयर ठीक से नहीं जा पा रहा, तो या तो एक ही में गेन हो जाएगा, और अगर इधर गेन हो गया तो यहाँ से इस वाले डॉटर सेल में सब कुछ लॉस हो गया और यहाँ पे गेन हो गया। दो कंडीशन बन गई, एक डॉटर सेल में से लॉस ऑफ क्रोमोसोम हो गया और एक में गेन हो गया। पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है, ये सेल में ना ज्यादा सारी जो चारों फेजेस होती है वो कंप्लीट होती है, उसके बाद होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन ही नहीं हुआ है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन ही नहीं हुआ है, तो वहां पे क्रोमोसोम का जो नंबर है ना वो ही बढ़ जाता है, वो आगे डॉटर सेल में जाता ही नहीं है। ठीक है, तो पॉलीप्लॉइडी में आपको ये याद रखना है, होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीजेस, और एनिप्लॉइडी में क्या हो रहा है, या तो गेन हो रहा है क्रोमोसोम का या फिर लॉस हो रहा है क्रोमोसोम का। ठीक है बच्चा, क्लियर है सबको? क्लियर है? क्लियर है? सही, यस और नो? ठीक है, तो एनिप्लॉइडी में ना कुछ एग्जांपल्स होते हैं, जैसे हो गया डाउन सिंड्रोम। कौन सा? डाउन सिंड्रोम। ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है ना, गेन ऑफ एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है क्रोमोसोम नंबर 21 की। ठीक है, और अगला एग्जांपल है वो है टर्नर सिंड्रोम। इसके अंदर क्या होता है, लॉस ऑफ एन एक्स क्रोमोसोम ह्यूमन फीमेल। देखो बच्चों, ह्यूमन फीमेल में होता है ना ऑटोसोम्स प्लस एक्सएक्स, तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम का लॉस हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हुआ है लॉस, यहाँ पे हुआ है गेन, दोनों कंडीशन देख सकते अपन ने, एनिप्लॉयडी का ही चल रहा है बच्चा, ये है एनिप्लॉयडी और ये है पॉलीप्लॉयडी। ठीक है, तो एनिप्लॉयडी में जैसा देखो पिछले वाली साइड में,
बच्चा पार्टी, अब क्लियर है सबको? अब मैं आपको दिख रही हूँ, आप सुन पा रहे हो मेरे को, और स्क्रीन दिख रही है नहीं दिख रही है वो बताओ मेरे को। बच्चा स्क्रीन विजिबल है सबको? मैम दिख रही है, ठीक है, अब हम स्क्रीन शो कर रहे हैं आपको, ठीक है? हाँ स्क्रीन अब दिखेगी बच्चा, क्योंकि हमने शो नहीं की थी। अभी दिख रही है आपको स्क्रीन बच्चा? सबको स्क्रीन विजिबल है? मैं विजिबल हूँ, मेरी क्लियर आवाज आ रही है एकदम, है ना? और बच्चा देखो, 1 मिनट में क्या गायब हुई, बच्चों ने ऐसे लेफ्ट किया, ऐसे लेफ्ट किया। तो बच्चों देखो, इसमें कुछ नहीं है, फिर आप भी लोगों को समझ नहीं आएगा। अगर मैम आपको बोल रहे हैं ना 1 मिनट का वेट करने का, तो बच्चा एटलीस्ट, अगर मैम आपके इतना एफर्ट डालते, तो आपको 1 मिनट तो एटलीस्ट आप वेट कर ही सकते हो, है ना? ठीक है बच्चा, तो पहले तो मुझे ये बताओ कि ये वाला एनिप्लॉयडी और पॉलीप्लॉयडी वाला कंसेप्ट सबको क्लियर था? कि एनिप्लॉयडी में दो चीजें हमने ली, डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, ये आपको याद रखना है। तो डाउन सिंड्रोम में क्या हो रहा है बच्चा, कि एक क्रोमोसोम नंबर 21 है, उसका एक और एक्स्ट्रा कॉपी बन जाता है, तो यहाँ पे गेन हो रहा है, ठीक है? और टर्नर सिंड्रोम में क्या हो रहा है, कि एक क्रोमोसोम है एक्स, वो लॉस हो गया है फीमेल से। अब बच्चे ना कंफ्यूज रहते हैं कि मैम डाउन सिंड्रोम जो है उसके अंदर गेन हो रहा है, ये कैसे याद रखें, और टर्नर में लॉस हो रहा है। तो मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, जैसे अपन बोलते हैं ना डीजे नाइट, डीजे डीजे डीजी, तो यू नो डीजी जो है साउंड्स लाइक गेन। हाँ अपन ऐसे गेन को ऐसे याद रखते हैं, लाउड साउंड्स लाइक डीजे नाइट, तो डी और जे साउंड्स लाइक जी, ठीक है? तो जी जी मतलब गेन, तो डाउन सिंड्रोम में डी में ना गेन हो रहा है। और अगर आप ये भी याद रख सकते हो, डाउन मतलब नीचे जाना, तो मतलब नीचे जाना अपन को, देखो सीढ़ियों से नीचे उतरना ना हमेशा इजी रहता है, आप ऐसे याद रखना, सीढ़ियों से नीचे अपन को उतरना इजी रहता है, पर ऊपर जाना हार्ड रहता है, ठीक है? तो सीढ़ियों से नीचे जाने में अपन को गेन ही होता है, ठीक है? तो इसलिए हम बोलते हैं जब डाउनवर्ड जा रहा है तो हमें गेन हो रहा है, आप ऐसे याद रख लेना। और दूसरा जो बचा फिर, तो वो टर्नर है ही, तो उसके अंदर ना लॉस हो रहा है। ये अभी सबको क्लियर है? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो मुझे बताओ, ये सबको समझ आ गया अच्छी तरीके से? क्लियर, क्रिस्टल क्लियर? अच्छा बच्चा एक सेकंड रुको, मेरा पेन नहीं मिल रहा है, वेट अ सेकंड। ठीक है बच्चों, तो अब हमने ये देख लिया है कंसेप्ट, तो अब हम इसके आगे बढ़ने लगे, ठीक है? अब हम पॉलीप्लॉइडी में ये देख चुके थे, फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस की नहीं हुआ है, तो उसकी वजह से क्या हुआ है, पूरे क्रोमोसोम का नंबर ना भर चुका है, ठीक है? तो ये इसमें देखा जाता है, यहाँ पे हम सिर्फ एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं, तो हम इसका भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये ना पॉलीप्लॉइडी प्लांट्स में देखा जाता है, तो आप ऐसे याद रखना, पी फॉर प्लॉइडी, प्लॉइडी और पी फॉर प्लांट्स, ठीक है? तो अभी आपको सिर्फ ये दो चीजें याद रखने की जरूरत है। अब जो बारी आती है वो आती है, आपको दो टर्म जानना है, ट्राइसोमी और मोनोसोमी। इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है, बच्चों को याद नहीं हो पाता ट्राइसोमी और मोनोसोमी। तो ट्राई मतलब तीन, मतलब अपन ने अभी तक जो भी पढ़ा है ना, वो पढ़ा है ऑटोजोम प्लस एक्स एक्स, और ऑटोसोम प्लस एक्स वाई, है ना बच्चा?
दो तो क्रोमोसोम हमारे पास हमेशा रहते ही रहते हैं। अब जो सारा खेल है ना वो इन दो क्रोमोसोम के इर्द गिर्द चलता है, या तो इन दो क्रोमोसोम में कुछ एड ऑन हो जाएगा या इन दो क्रोमोसोम में से कुछ रिली हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो ट्राइसॉमी में क्या होता है, एडिशनल एडिशनल कॉपी एक ऐड हो जाती है, लाइक से ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स है तो इसमें कुछ एक या तो एक्स ऐड हो गया या फिर वाई ऐड हो गया, ठीक है। एक ऑटोसोम प्लस एक्स वाई है तो इसमें क्या हो जाएगा, या तो एक एक्स ऐड हो जाएगा या फिर वाई ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब मोनोसोमी में क्या होता है कि एक कॉपी कम हो जाती है, लैक वन कॉपी। अब ये जो कॉपी है ना ये वाली, इस कॉपी में देखो ऑटोसोम्स तो होंगे ही होंगे। अब लेट से एक्स एक्स में से एक एक्स कम हो जाएगा या फिर एक एक्स वाई में से एक वाई कम हो जाएगा। तो मोनोसोमी में एक कॉपी कम होती है और ट्राइसोमी में एक एक्स्ट्रा आ जाता है। तो ट्राइसोमी क्या हो गया, अपन ने अभी तक देखा था कितने पे कितने होते हैं, बताओ बच्चों क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं। सुमन क्या रिपीट करना है बच्चा? देखो अभी अपन ने देखा 23 पेयर होते हैं, 23 बोले तो 23 प्लस 23 कितना होता है, 46। यानी हमारी जो पूरी कहानी है वो 46 क्रोमोसोम के इर्द गिर्द चल रही है, ठीक है। तो अब क्या होगा ना बच्चों, ट्राइसॉमी में क्योंकि 46 प्लस 1 हो रहा है तो यानी 47 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है बच्चा। और क्योंकि मोनोसोमी में एक कम हो गया तो 46 माइनस 1 तो ये हो गया 45 क्रोमोसोम। अभी आपको कहानी समझ आई कि ये मोनोसोमी और ट्राइसोमी की कहानी क्या थी, आखिर मिस्ट्री क्या थी। मैंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी आपको इसलिए करके दिखाई ताकि आपको बहुत डीपली क्लियर हो जाए। तो मोनोसोमी और ट्राइसोमी क्लियर हुआ बच्चा? ले लो बच्चा, ठीक है। तो अब हम डिटेल में पढ़ लेते हैं थोड़ा डाउन सिंड्रोम को। किसको बच्चा? डाउन सिंड्रोम, ठीक है। तो मैंने आपको बताया डाउन सिंड्रोम में क्या हो रहा है, एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, 21 नंबर का जो क्रोमोसोम है उसकी एडिशनल कॉपी है। एडिशनल कॉपी मतलब ये देखो बच्चों, एडिशनल कॉपी मतलब ये है ट्राइसॉमी कंडीशन। कौन सी कंडीशन मेरे बच्चों? ट्राइसॉमी ऑफ 21, ठीक है। और ये डाउन सिंड्रोम किसने दिया था, एक साइंटिस्ट थे लैंग डाउन, उन्होंने दिया था 1866 में, ठीक है। और इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होता है, तो जो डाउन सिंड्रोम का बच्चा होता है ना वो एक तो शॉर्ट होता है, ठीक है, मतलब छोटी सी हाइट का होता है। क्या होता है उसका, स्मॉल गोल गोल छोटू सा गोल गोल हेड होता है, छोटू सा गोल गोल हेड। डाउन सिंड्रोम है बच्चों, आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। मतलब मैंने ये देखा है कि बच्चों को ना एंड तक ना डाउन सिंड्रोम, क्लिनफिल्डर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम ना कंफ्यूजिंग रहता है कि मैम वो शॉर्ट स्टचर, राउंड हेल, हाथ में क्रीज, पाम में क्रीज, कि किस में होता है, मून शेप, टंग में ऐसा, मैम ये किसका है। देखो बच्चों डाउन डाउन मतलब नीचे जाना, मैंने अभी आपको बताया सीढ़ियों से नीचे जाना, आप ऐसे याद रखो सीढ़ियों से आप नीचे जा रहे हो, डाउन जा रहे हो, नीचे जा रहे हो मतलब गेन हो रहा है। एडिशनल कॉपी ट्राइसॉमी, एक फर्स्ट वाला पॉइंट आपको ये ऐसे याद रह जाएगा, डाउन मतलब नीचे जा रहे हो, गेन है मतलब गेन कैसे है मैम, नीचे जाना इजी होता है ना, तो गेन हो रहा है अपने लिए तो अच्छा ही है, ऊपर जाना टफ होता है तो गेन हो रहा है, ठीक है। अब ये किसमें, इसमें क्या हो रहा है कि अब आपको याद रखना डाउन, तो डाउन मतलब छोटे बच्चों को आपको ऐसे रिलेट करना है, डाउन मतलब छोटा आप जा रहे हो, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा दिमाग में रिकॉल करने की कोशिश करो। डाउन मतलब वैसे छोटा नहीं होता पर डाउन को आप उससे रिलेट कर सकते हो। तो उसमें ना आप देखना शॉर्ट स्टचर, छोटे छोटे सर वाला, गोल गोल सर वाला, छोटी हाइट वाला, ठीक है। फरो टंग मतलब जिसकी टंग के बीच में एक वो होता है, कट होता है, तो टंग दो में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। फिर उसके क्लिनिकल फीचर्स और क्या होता है बच्चा?
पार्शली ओपन माउथ, थोड़ा सा मुंह खुला होता है। हाँ हाँ अंजलि, थर्ड पॉइंट इज फरो टंग। बच्चा फरो टंग मतलब जो अपनी जो टंग होती है ना उसके बीच में कट आ जाता है, जिसकी वजह से टंग ऐसे ऐसे स्प्लिट हो जाती है। वैसे तो टंग ऐसे होती है पर ये है फरोड। ठीक है अंजलि मेरा बच्चा, अब आते हैं पार्शली ओपन माउथ। फिर पाम में क्रीज, मतलब जो अपना हाथ है ना यहाँ पे ऐसे क्रीज बन जाती है। फिर आता है मैनी लूप्स ऑन फिंगर टिप्स। फिंगर टिप्स पे ना काफी सारे लूप्स आ जाते हैं। अच्छा थर्ड पॉइंट कौन सा, ये फर्स्ट ये सेकंड ये शॉर्ट स्टेचर मतलब छोटी हाइट का। ठीक है प्रिया राजपूत। फिर आता है फिजिकल एंड साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड, मतलब वो फिजिकली मेंटली ना इतना डेवलप नहीं हो पाता जितना अपन डेवलप है। अपना जो आईक्यू लेवल है ना, इन बच्चों का आईक्यू लेवल उतना नहीं हो पाता। तो डाउन सिंड्रोम सबको क्लियर है? डाउन सिंड्रोम में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। डाउन में गेन हो रहा है, उसके क्लिनिकल फीचर्स तो फिर आपने देख ही लिए होंगे, गोल गोल मुंह, गोल गोल गाल, हाथों में क्रीज, ऐसे याद रखना ना, आप एक सॉन्ग बना लिया करो, गोल गोल मुंह, छोटी छोटी हाइट, हाथों में क्रीज, फरो टंग, सॉर्ट ऑफ, है ना। ठीक है अब हम आते हैं सेकंड, आते हैं बच्चा क्लिन फिल्टर्स सिंड्रोम। अब बच्चा क्लिन फिल्टर सिंड्रोम में क्या हो रहा है, यहां पे भी ना एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, यहाँ पे जो एक्स क्रोमोसोम है ना उसकी एक एडिशनल कॉपी आ जाती है, कि मतलब जो क्रोमोसोम का अमाउंट प्रेजेंट है वो तो है ही है पर उसमें एक एक्स क्रोमोसोम भी एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। तो क्या हो जाता है इसका कैरियोटाइप, कैरियोटाइप ऑफ 47, जो अभी तक मैंने आपको बता दिया इतना, इसको अपन कैरियोटाइप ही बोल रहे हैं। तो 47 क्योंकि जो अमाउंट है ना वो 47 हो गया क्रोमोसोम का, तो वो क्या है एक्स एक्स वाई, मतलब एक्स वाई तो था ही था पर उसमें एक एक्स्ट्रा ऐड हो चुका है। ऑटोसोम्स तो हो गई होगा, फिर एक्स वाई था तो उसके अंदर एक एक्स्ट्रा एक्स ऐड हो चुका है। तो आपको इसे समझ आया ये किसके अंदर हो रहा है, ये हो रहा है मेल के अंदर, यानी मेल के अंदर एक एक्स्ट्रा एक्स जोड़ चुका है। ठीक है अभी सुने ना, क्लियर हुआ? अंजलि ने बताया कि जो टंग होता है ना वो डिवाइड हो जाता है दो पार्ट में। ठीक है तो अभी ये क्लियर हुआ कि जो क्लिन फिल्टर सिंड्रोम है ना वो मेल के अंदर होता है, क्यों? क्योंकि ऑटोसोम तो है ही है, प्लस उसके अंदर जो मेल का एक्स वाई है ना उसके अंदर एक एक्स्ट्रा एक्स आ गया। तो अब अगर मेल के अंदर अगर एक एक्स्ट्रा एक्स आया है तो बच्चा उसकी वजह से क्या होगा, उसके अंदर फीमेल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक आ जाएंगे। भाई फीमेल का एक्स आया तो वो कुछ तो अपना काम दिखाएगा, तो फीमेल का एक्स आया है तो मेल के अंदर क्या होगा, देखो मेल है तो वो बड़ा तो है ही है पर उसके अंदर फीमेल का क्या कैरेक्टरिस्टिक आएगा, कि मेल के अंदर ना ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होने लग जाता है, मेल के अंदर ब्रेस्ट आ जाते हैं। वैसे मेल के अंदर नहीं होते हैं पर वो मेल के अंदर आ जाते हैं, तो इसी को ये एक फेमिनाइन डेवलपमेंट हुआ मेल के अंदर, जिसको बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया। क्या बोलते हैं बच्चा, गायनेकोमेस्टिया। क्लियर है सबको? इसका जो मेल होता है ना ये बहुत ही बड़ा अच्छा खासा हट्टा खासा इंसान होता है पर इसके अंदर ना ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है तो वो फेमिनाइन डेवलपमेंट है, क्योंकि ब्रेस्ट तो फीमेल का कैरेक्टरिस्टिक है ना, ब्रेस्ट मेल का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ठीक है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट जिसको बोलते हैं गायनेको मिस्टिया। अभी सबको क्लियर है?
ये इजी था, क्लिनफिंटर सिंड्रोम बस इतना ही था। मेरे को लगता है ना बच्चों को हमेशा क्लिनफिंटर सिंड्रोम में कंफ्यूजन रह जाता है कि वो मेल में होता है फीमेल में हो रहा है, हो क्या रहा है। क्लिनफिंटर मेल में होता है और मेल में एक एक्स्ट्रा एक्स जुड़ गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसके अंदर एक फीमेल का कैरेक्टरिस्टिक आ गया, यानी उसमें ब्रेस्ट आ गए, ठीक है बच्चा, जिसको बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया, ठीक है बच्चा, ठीक है बच्चा। ये कोई पार्ट थियोरी कंडीशन है ही नहीं, क्योंकि तो जो क्लिन फिल्टर है ना वो हो ही सिर्फ मेल्स में रहा है, वो फीमेल्स में हो ही नहीं रहा, तो वो फीमेल्स में हो ही नहीं रहा तो एक्स 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 कंडीशन ही नहीं आएगी। अब तीसरी जो है वो है टर्नर्स सिंड्रोम। तीसरी है टर्नर। अभी तक हमने डाउन और क्लिन फिल्टर देखा था जिसके अंदर कुछ ऐड हो रहा था, यानी 47 नंबर हो गया था क्रोमोसोम का। अब हम देख रहे हैं एब्सेंस ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम कम हो गया, यानी कितना नंबर हो गया, 47, 47 हो गया। अब देखो क्योंकि ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स है ना, तो भाई एक एक्स कम हो गया, ये निकल के भाग गया, तो भैया इसको इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, ओ लिख देंगे, मतलब ओ मतलब न्यूट्रल, तो इसको बोल देंगे विथ एक्स, ठीक है। इस कंडीशन को ऐसे डिफाइन करते हैं, तो सच फीमेल, ये देखो ये देखो, इस कंडीशन से आपको पता पड़ गया होगा कि ये फीमेल में हो रहा है, तो सच फीमेल आर स्टेराइल। स्टेराइल मतलब जो आगे बर्थ नहीं दे सकती, किसी भी बेबी को बर्थ नहीं दे सकती, तो भैया क्योंकि उनके अंदर ओवरीज इतनी डेवलप नहीं हो पाती, इसलिए वो स्टेराइल हो जाती है। एक्स तो निकल के भाग गया, अब बेचारा एक एक्स अकेला कितना काम कर लेगा, तो उसकी वजह से फीमेल जो होती है वो स्टेराइल हो जाती है। तो अभी क्लियर हुआ, डाउन सिंड्रोम में क्या था, ट्राइसॉमी हुई थी, मतलब एडिशन हुआ था एक क्रोमोसोम का। क्लिनफिल्टर में क्या हुआ था, एडिशन हुआ था, और टर्नर में क्या हो गया, एक एक्स निकल के भाग गया, ठीक है, ठीक है बच्चा, सभी को क्लियर है सब कुछ, ये सबको क्लियर है। तो बच्चा कल हमने ना एक चीज पढ़ी थी, अब मैं आपको बहुत एक स्टोरी टाइप से बताने जा रही हूँ एक चीज, अब बस आप उसको ऐसे कुर्सी की पेटी बांध लो, पीछे बैठ जाओ, और अब आप देखते जाओ और सुनते जाओ बस मेरी बात, है ना। देखो अपन ने ना बच्चों कल अपन ने पढ़ा था उसके बारे में, लाइक सिस्टिक सॉरी एक मिनट मैं आपको बताती हूँ, कल हमने ना जो टॉपिक किए थे, लाइक थैलेसीमिया किया था, सिकल सेल एनीमिया किया था ना, याद आ रहा है ना सबको, और अपन ने कलर ब्लाइंडनेस किया था, फिनाइलकीटोन्यूरिया किया था। तो अपन ने बहुत सारी चीजें देखी थी कि कोई कोई था सेक्स लिंक, ये टर्म्स थे, फिर था ऑटोसोमल लिंक, फिर था रिसेसिव, फिर था डोमिनेंट। तो हमने कहा था कि भाई रिसेसिव और कैरियर के बारे में हमने पढ़ा था, याद आ गया ना मेरे बच्चों को सब, कि अपन ने ये सब चीजें पढ़ी थी, है ना, ऐसा याद आ रहा है ना, अपन ने कुछ ऐसा ऐसा पढ़ा था। याद आ रहा, ठीक है। तो ना अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज बताने वाली हूँ जिससे आप क्लियर हो जाएगा, आप है ना एक कंसेप्ट याद रख लेना। अब मैं वो कंसेप्ट क्या याद रखना है वो बताओ, वो तो मैं आपको बता। देखो अपन ना ज्यादा कुछ ऐसे करने नहीं वाले, अपन लाइक से देखो, अब ना हमेशा एक बात याद रखना, जब जैसे पेरेंट्स हैं, ये लेट से मेल है और फीमेल है, तो इनके इतने सारे बच्चे हैं, है ना, ये तो हो गई एक F1 जनरेशन, ये हो गई F2 जनरेशन, है ना, अभी मैं और बना रही हूँ, ये हो गई,
अब हम कैसे पढ़ते हैं ना, चार्ट एक मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। और ये हो गई हमारी F3 जनरेशन। ये देखो, अब हमें पेडिग्री चार्ट में ना बच्चों क्या पढ़ना होता है कि जो डिजीज है वो आगे कैसे जा रही है, हमें पता करना होता है डिजीज ऑटोसोमल है, डिजीज सेक्स लिंक है, डिजीज रिजेसिव है, डिजीज में करियर है, डोमिनेंट है, क्या है, ये पता करना होता है। बस इसके अलावा कुछ पता नहीं करना होता। तो देखो, हमेशा याद रखना, जैसे ये एक पेरेंट था, ये एक पेरेंट्स है ना, ये एक पेरेंट्स सिख है। अब उनके इतने सारे बच्चे हैं, एक ये बच्चा, एक ये बच्चा, एक ये, एक ये, एक ये। हमेशा ना आप बच्चों हमेशा कंफ्यूज होते हो, इतने सारे बच्चे हैं। अब हम आगे जब जनरेशन देखनी है F3 भी, तो ये रही, तो बच्चा ये वन, बच्चा टू, थ्री, फोर, फाइव, ये वन वाला बच्चा, टू वाला बच्चा, फोर वाला बच्चा और फाइव वाला बच्चा, ये सारे बच्चे एकदम फालतू। एकदम फालतू क्यों? क्योंकि इन्होंने शादी नहीं की। शादी नहीं की तो बच्चे कैसे करेंगे? तो भैया जो थ्री वाला बच्चा है ना, इसने की है शादी, इसने शादी की है इससे, इस मेल से, तो इसने इस मेल से शादी की है, तो तीन बच्चों को जन्म दिया है। तो भैया हम जो पढ़ते हैं ना, तो हमेशा ना शॉर्ट करने के लिए हमेशा ऐसे रख लो कि आप सिर्फ ऐसे देखा करो और ज्यादा कुछ देखो ही मत। इन सबको ना इग्नोर कर दो, बोला तुम जाओ भाड़ में, हम तुम्हें लास्ट में कंसिडर करेंगे, पहले तो हम इनको कंसिडर करने वाले हैं। इनको करना बाद में कंसिडर, पहले हमेशा क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व करना, ठीक है? तो अब ना हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं सिकल सेल एनीमिया। तो बच्चा ठीक है, अब मैं आपको ना बताती हूँ, ये इसमें कलर हो गया, मतलब ये मेल इफेक्टेड है, और ये वाली जो फीमेल है ना, ये भी फीमेल इफेक्टेड है। तो हम कैसे पता करेंगे कि भैया ये सेक्स लिंक्ड है या नहीं? तो देखो, सबसे पहले ना एक चीज याद रखो, सेक्स लिंक यानी एक्स लिंक। एक्स लिंक मतलब देखो ट्रिक है, याद रखना सेक्स लिंक ऐसे याद रख लो, सेक्स लिंक यानी एक्स लिंक। एक्स लिंक है मतलब दो चीज है कि जो बीमारी है वो मदर से उनके लाडले बेटे में जाएगी, और जो बीमारी फादर से उनकी लाडली बेटी में जाएगी। ये सेक्स लिंक का ना क्राइटेरिया होता है कि हमेशा मदर से अगर बेटे में गई है मतलब वो सेक्स लिंक्ड है, फादर से अगर डॉटर में गई है तो वो सेक्स लिंक्ड है। ये याद रख लेना, क्वेश्चन सॉल्व करने की ये ट्रिक है। अगर आपको ऐसा दिख जाए कि फादर इफेक्टेड है फिर डॉटर इफेक्ट हुई है, मतलब वो है सेक्स लिंक्ड, मदर और सन या फिर इफेक्टेड नहीं था। पर अगर मदर से वो सन के अंदर गई है, फादर और डॉटर का कोई लेना देना था, मतलब वो थी सेक्स लिंक। तो एक तो ये ट्रिक है जो आपको याद रखनी है। दूसरी ऑटोसोमल लिंक, यानी उसका सेक्स से कोई लेना देना नहीं है, वो मदर में है तो भैया वो मदर बेटी में भी हो सकती है, बेटे में भी हो सकती है, वो जेंडर इक्वालिटी रखता है, वो कोई जेंडर का उससे कोई लेना देना नहीं है। रिसेसिव, मेरे बच्चों मैंने आपको बताया था, रिसेसिव वो होता है उसको हीट्रो होमोजाइगस फॉर्म में है तभी वो अपना कैरेक्टर शो कर पाता है ना। जैसे स्मॉल टी रिसेसिव है तो ये होमोजाइगस में आएगा तभी अपना कैरेक्टर शो कर पाएगा। पर अगर ये रिसेसिव भले कितना भी इफेक्टेड हो, पर अगर डोमिनेंट प्रेजेंट है तो ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ये इसलिए हीट्रोजाइगस फॉर्म में। अगर रिसेसिव इफेक्टेड है तो वो बन जाता है कैरियर, ये मैंने कल बताया था। और डोमिनेंट, और यार डोमिनेंट तो ऑब्वियस है कि वो होमोजाइगस हो या हीट्रोजाइगस इफेक्टेड है तो वो तो इफेक्टेड है ही है। तो अब ये क्वेश्चन है हमारा सिकल सेल एनीमिया का, ये वाला। तो इसके अंदर बच्चों देखो क्या हो रहा है कि एक बेटा इफेक्टेड है और एक बेटी इफेक्टेड है। तो दिमाग में क्या आया, मैंने अभी जो कहानी बताई कि एक बेटा इफेक्टेड है और एक बेटी इफेक्टेड है, और मैंने आपको बताया था कैरियर जो होता है वो खुद इफेक्टेड नहीं होता है, पर वो आगे बच्चों को इफेक्टेड कर देता है। तो नहीं हो सकता यहाँ पे मदर भी कैरियर हो, फादर भी कैरियर हो, और हमने ऑटोसोमल, हमने देखो सिकल सेल एनीमिया क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था, ठीक है? हमने देखा था सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव है। तो हम कंफर्म करते हैं कि भैया ये वाला इस कंडीशन में एग्जैक्टली है कि नहीं। तो कैसे, देखो यहाँ पे बेटा इफेक्टेड है, मदर इफेक्टेड है, पर मदर और फादर तो इफेक्टेड शो नहीं हो रहे। तो हो सकता है मदर फादर दोनों मिलके कैरियर है, तभी नहीं उन्होंने अपना बेटा भी इफेक्ट कर दिया और बेटी भी इफेक्ट कर दी। और ऑटोसोमल इसलिए क्योंकि इन्होंने जेंडर इक्वालिटी रखी है, इन्होंने बेटे को भी इफेक्ट किया है और बेटी को भी इफेक्ट किया है, तो ये है ऑटोसोमल। और रिसेसिव, रिसेसिव मैंने बताया बच्चों कि रिसेसिव होने के लिए मदर को भी कैरियर होना पड़ेगा और
और फादर को भी कैरियर होना पड़ेगा। और ऑब्वियस यहाँ पे ये दोनों अनअफेक्टेड दिख रहे हैं, तो हो सकता है ये दोनों कैरियर है, तभी तो यहाँ पे इनमें वो डिजीज आई है। और यहाँ पे भी देखो, ये जो तीसरा वाला जो इनका बच्चा है, ये जो फीमेल है, इसने की है एक मेल से शादी, तो इसने मेल से शादी करी, तो ना ये अफेक्टेड दिख रहा है ना ये अफेक्टेड दिख रही है, पर इनका एक बच्चा इफेक्टेड आ गया है। तो ये और कंफर्म हो गया कि भैया ये तो रिसेसिव ही थी डिजीज, क्योंकि अगर ये डोमिनेंट होती तो यहाँ पे एक जना अफेक्टेड दिखता। अब यहाँ पे भी दोनों मदर फादर ये दोनों कैरियर बने थे, मदर फादर दोनों कैरियर बने, तभी नहीं इन्होंने अपने बेटे को इफेक्टेड कर दिया। तो अभी ऑटोसोमल रिसेसिव वाला कंसेप्ट और एक एग्जाम्पल से आपको क्लियर हुआ? हाँ हाँ अंजलि अंजलि, उन्हीं को कंसिडर करना है, तभी नहीं अपन ने इनको देखो अभी कंसिडर किया, पहले अपन ने इनको देखा उसके बाद अपन ने इनको देखा, ठीक है? क्लियर है बच्चों? क्लियर है, ठीक है। अब अपन एक और लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है? देखो मैं आपके लिए बच्चों एक और बनाती हूँ, ये रही हमारी फीमेल और ये रहा हमारा मेल, ठीक है? ये हो गई F1 जनरेशन और ये हो गया एक इनकी फीमेल, ये हो गया एक मेल बेटा, ये भी हो गया एक मेल बेटा और ये हो गई एक फीमेल बेटी, ठीक है? तो अब इनकी F2 जनरेशन ये रही। अपन ना इस मेल वाले इस वाले की शादी करा देते हैं, इसकी भी शादी करा देते हैं, इन दोनों की हमने करा दी शादी और इनके कर दिया हमने बच्चे, ये रहे बच्चे, ठीक है? ये तो पता है ना, ये वाला साइन जहाँ पे जुड़ जाने वाला, मतलब ये हस्बैंड वाइफ हो जाते हैं, ये तो पता है ना मेरे बच्चों को? ठीक है, ये हो गई हमारी F3 जनरेशन। तो देखो बच्चों यहाँ पे मैं इफेक्टेड भी बना देती हूँ, ठीक है? देखो यहाँ पे जो फीमेल है और एक मेल है, ये फीमेल आपको इफेक्टेड दिख रही है, मेल आपको इफेक्टेड नहीं दिख रही। तो फीमेल से ये गई है, किसमें गई है बच्चा? फीमेल से ये बीमारी गई है उसके बेटे में और ये फीमेल से बीमारी गई है उसकी बेटी में, यानी जेंडर इक्वालिटी रही है। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये ऑटोसोमल है, ये तो क्लियर हो गया ना कि ये ऑटोसोमल है। इसको और क्लियर करने के लिए अपन कर लेते हैं कि भैया ये जो फीमेल थी, इससे ये बीमारी इसकी बेटी में गई है, अगर सेक्स लिंक्ड होती तो फीमेल से इसके बेटे में जाती, पर इसने कोई जेंडर इक्वालिटी नहीं रखी, इसने कोई भेदभाव नहीं किया, फीमेल से फीमेल में गई है। तो पूरे स्टार्टिंग से लेके एंड तक ये तो क्लियर हो चुका है कि ऑटोसोमल है ना? ऑटोसोमल कैसे है ये तो क्लियर हो चुका है ना बच्चों, ठीक है? अब ये रिसेसिव है या डोमिनेंट ये कैसे पता पड़ेगा? तो भैया यहाँ पे फीमेल क्लियरली इफेक्टेड दिख रही है, फीमेल क्लियरली इफेक्टेड दिख रही है, तो इसने अपने बेटे को भी इफेक्टेड कर दिया है, इसने अपनी एक बेटी को भी इफेक्टेड कर दिया है, ठीक है? अगर इन केस ये रिसेसिव होती, इन केस अगर ये रिसेसिव होती तो ये क्या होती? कैरियर होती। क्या होती बच्चा? कैरियर। तो क्या फादर को भी कैरियर होना पड़ता तभी जाके वो बीमारी यहाँ और यहाँ आ पाती, ठीक है? रिसेसिव वाले केस में मदर को भी कैरियर होना पड़ता और फादर को भी कैरियर होना पड़ता तभी डिजीज यहाँ पे और यहाँ पे आ पाती, ठीक है? और यहाँ पे ये अफेक्टेड शो होते, पर यहाँ पे ये ऑलरेडी अफेक्टेड शो हो रहा है, वो इतना डोमिनेंट है कि वो खुद को बता पा रहा है कि मैं इफेक्टेड हूँ, तो ये बहुत क्लियर है कि वो डोमिनेंट है। रिसेसिव वाला होता करियर तो वो भी खुद अपने आप को शो नहीं करता कि वो अफेक्टेड है, ये खुद अफेक्टेड है, उसने अपने बेटे को इफेक्ट किया है, उसने अपनी बेटी को इफेक्ट किया है। फिर ये जो बेटी, ये अच्छी बेटी है, इस बेटी ने शादी कर ली है, बच्चे भी कर लिए, ये बेटा अच्छा बेटा है, इसने भी शादी कर लिया, अब हम इनको देखते हैं। देखो अब यहाँ पे ना, देखो यहाँ पे चांसेस ही नहीं, देखो अगर रिसेसिव होती मतलब करियर होता तो ये हो सकता था ये बेटा करियर हो जाए, पर ये बच्चा अनअफेक्टेड है बच्चा, ये बच्चा अनअफेक्टेड है, क्लियर है? या तो ये अफेक्टेड होगा या अनअफेक्टेड होगा, ये बच्चा अनअफेक्टेड है, इसलिए ना इसके बच्चे में कुछ आया, ना इस बच्चे में कुछ आया, ना इस बच्चे में कुछ आया,
ठीक है, पर अगर जैसे ये रिसेसिव होता, करियर होता, तो नहीं बोलते करियर आगे जाके अपने बच्चों को इफेक्ट करता है, तो ये हो सकता था इसको इफेक्ट कर दे, पर इसने किसी को इफेक्ट नहीं करा, तो एक बार और कंफर्मेशन मिल गई, जो डिजीज थी वो थी डोमिनेंट, वो रिसेसिव फॉर्म में तो नहीं थी, वो करियर फॉर्म में तो नहीं थी। अब यहाँ पे ये जो मदर थी, ये जो बेटी थी, ये खुद इफेक्टेड थी, शो हो रहा है, तो इसने अपनी एक बेटी को भी इफेक्ट किया है, खुद डोमिनेंट थी तो इसने भी अपनी बेटी को किया है, तो ये ऑब्वियसली बात है ये डोमिनेंट है। अभी आपको क्लियर हुआ? तो एक जो डिजीज हो गई ऑटोसोमल डोमिनेंट, अपन एक इसका याद रख लेना, ये वो वाली कंडीशन होती है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी में, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी में, जिसमें मसल्स का डीजनरेशन होता है। सबको क्लियर है जो मैंने समझाया? सबको क्लियर है बच्चा? किसी को कोई कंफ्यूजन? सबको समझ आया? बहुत क्लियर कंसेप्ट है, बहुत इजी है। आपसे क्वेश्चन बस ये पूछा जाएगा, आपको पता करना है ऑटोसोमल है, सेक्स लिंक्ड है, डोमिनेंट है, रिसेसिव है। ऑटोसोमल कैसे पता करोगे कि बच्चों वो भेदभाव नहीं कर रही, फीमेल से सन के अंदर जाएगी, फीमेल से अगर सन के अंदर गई, फादर से अगर डॉटर के अंदर आई, तो वो है सेक्स लिंक। पर अगर ऐसा नहीं हुआ, बिना भेदभाव के सब चला, तो वो है ऑटोसोमल। ये आप फर्स्ट जनरेशन में भी कंफर्म कर लेना, सेकंड जनरेशन में भी, थर्ड जनरेशन में भी। डोमिनेंट और रिसेसिव का कैसे पता करोगे? अच्छा, रिसेसिव, रिसेसिव वाले को ना खुद के उसके अंदर आने के लिए ना, खुद के को शो करने के लिए होमोजाइगस फॉर्म में आना पड़ेगा। अगर वो हेटरोजाइगस फॉर्म में है ना रिसेसिव अफेक्टेड, तो वो हो जाता है कैरियर, और कैरियर मदर को भी होना पड़ेगा, फादर को भी। मदर फादर दोनों कैरियर है तभी बच्चा इफेक्टेड हो पाएगा, मदर फादर दोनों कैरियर है तभी बच्चा इफेक्टेड हो पाएगा। ठीक है बच्चा? और सारे बच्चे अफेक्टेड नहीं होंगे, आधे बच्चे इफेक्टेड होंगे, बाकी के आधे बच्चे कैरियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चा पार्टी? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, क्लियर है सबको? मोनिका, विच वन प्रीवियस स्लाइड? मोनिका, ये पूरा लेक्चर इस स्लाइड में मैंने कंप्लीट किया है, तो ये तो मैंने अभी जो आपको बोला ना, ये जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन की सेक्स लिंक, ऑटोसोमल, रिसेसिव, डोमिनेंट, यही मैंने बस इस क्वेश्चन में बताया है। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये सिकल सेल एनीमिया का एग्जांपल है। इसके अंदर एक देखो मदर है, एक फादर है, ये दोनों इफेक्टेड नहीं दिख रहे, पर इनका बच्चा इफेक्टेड दिख रहा है। ठीक है, ये दो बच्चे इफेक्टेड दिख रहे हैं, तो भैया मदर फादर इफेक्टेड नहीं है, पर बच्चा इफेक्टेड दिख रहा है कैसे? तो हो सकता है मदर फादर दोनों कैरियर है तभी ना बच्चा इफेक्टेड हुआ है। मदर फादर दोनों इफेक्टेड है तो ये तो क्लियर हो गया कि ये कैरियर थे दोनों बच्चे, मम्मी पापा, मम्मी पापा कैरियर थे, मतलब वो रिसेसिव फॉर्म था। तो ये एक तो क्लियर हो गया पहले कि ये रिसेसिव है। दूसरा, अब पता करना है कि ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक। तो ऑटोसोमल वही मैंने बताया कि भाई बिना भेदभाव के मेल में भी जाएगा और फीमेल में भी जाएगा, और अगर सेक्स लिंक है तो मदर से सिर्फ सन में जाएगा और फादर से सिर्फ डॉटर में जाएगा। पर क्योंकि यहाँ पे बिना भेदभाव के सारी चीजें चली है, यहाँ पे सन भी इफेक्ट हुआ है और डॉटर भी इफेक्ट हुई है, तो ये है ऑटोसोमल। और हम यहाँ से भी एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि ऑटोसोमल रिसेसिव है कि नहीं, क्योंकि ये अच्छी बेटी है, इसने शादी की है, हम इसी के बारे में देखेंगे। इसने शादी की है एक लड़के से, इनके हुए हैं 3 बच्चे, जिसमें से इनका सन जो है वो इफेक्टेड हो गया, उसको डिजीज हो गई है, तो भैया सन के अंदर बीमारी आई है, मतलब फिर से मदर फादर दोनों कैरियर है, मदर फादर दोनों कैरियर है तभी बच्चे में आई है ना, और बिना भेदभाव के। ऐसा नहीं है कि किसी में जानी चाहिए थी, मेल में ही जानी चाहिए थी या फीमेल में जानी चाहिए थी, किसी भी एक में जा चुकी है, तो ये क्लियर हो चुका है। ये जो डिजीज थी, ये चल रही थी रिसेसिव, बिना भेदभाव के है, बिना भेदभाव के चल रही है, कैरियर फॉर्म में चल रही है रिसेसिव, बिना भेदभाव के चल रही है, मतलब ऑटोसोमल। चार चीजें हैं, सेक्स लिंक, ऑटोसोमल, रिसेसिव, डोमिनेंट, चार चीजों का कंसेप्ट आई थिंक आज सब बच्चे को क्लियर हो गया होगा। आप लोगों को क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, डोमिनेंट होगा तब तो इफेक्टेड हो गई होगा, डोमिनेंट वाला अपन ने एग्जांपल लिया ना बच्चा। देखो ये देखो, फीमेल यहाँ पे डोमिनेंट फॉर्म, मतलब अपने आपको बता रही थी कि मैं इफेक्टेड हूँ, तो भैया इसने अपने यहाँ पे एक बेटे को भी इफेक्टेड कर दिया और एक बेटी को भी इफेक्टेड कर दिया। अरे यार, अपने बेटे को भी इफेक्ट कर दिया और बेटी को भी, क्योंकि ये डोमिनेंट है, खुलेआम बताए कि हाँ मुझे तो बीमारी है, तो मेरे बेटे को भी हो रही है और मेरी बेटी को भी हो रही है, पर क्योंकि माँ से बेटे में भी हुई और बेटी में भी हुई, तो क्लियर है ये सेक्स लिंक तो नहीं, तो ये सेक्स लिंक नहीं है, तो ये ऑटोसोमल है। पर इसे खुले में बताया मेरे को बीमारी है, मेरे बेटे को भी हो रही है, मेरी बेटी को भी हो रही है, इसका मतलब
कि भाई मैं डोमिनेंट हूँ। ठीक है बच्चा, राइट अंजलि, राइट 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 बच्चा, ये सारे है ना, ये इसके अंदर ना पूरा क्लियर हो जाता है। ना डोमिनेंट आपको सारे जो क्वेश्चंस है ना, सारी जितनी भी प्रोबेबिलिटी है वो इन्हीं दो क्वेश्चन से ना पूरी हो जाती है। और ये वाला तो सबसे हार्ड, ना मैंने सबसे हार्ड क्वेश्चन कराया है। चलो आप बोलते हो तो इसी बात पे आपके लिए मैं एक और क्वेश्चन बोल देती हूँ, और इन्हीं क्वेश्चन में ना सारी की सारी चीजें सॉल्व हो जाती है। अब आपने बोला है तो आपके लिए एक और क्वेश्चन में ले आती हूँ। ठीक है बच्चा बाटी, अब क्योंकि देखो ये F1 जनरेशन, ये F2 जनरेशन, इसमें दो लड़के, दो लड़की, एक लड़का, ये अच्छा बेटा है, ये बेटा अच्छा बेटा है। ठीक है, इसने बच्चे कर दिए इतने सारे। ठीक है, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्पल जो मैं आपको करा रही हूँ, सबसे टफ, सबसे टफ, सबसे टफ एग्जाम्पल है। इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आपको मिलने वाला नहीं है। ये अभी आप समझ लोगे सब हो जाएगा। ठीक है, देखो अब आपको पता लगाना है, क्या पता लगाना है कि ये डोमिनेंट एक्स लिंक्ड है या रिसेसिव एक्स लिंक्ड है या डोमिनेंट वाई लिंक्ड है या रिसेसिव वाई लिंक्ड है। मैम आपने तो ये वाई लिंक्ड वाला तो बताया ही बच्चा, एक्स लिंक्ड का याद रखो, सारे कंफ्यूजन वहां से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे मेल है, फादर है, इफेक्टेड है, फादर इफेक्टेड है। अब अपन ना, जैसे मैंने आपको बताया जिन्होंने शादी की, अपन उनको सबसे पहले कंसिडर करेंगे। जैसे इस वाले ने ना शादी की है, किस वाले ने शादी की है, रुको क्वेश्चन में एक बार चेक कर लो मैंने सही लिखा है नहीं लिखा है। क्वेश्चन सही है, तो जैसे ना देखो शादी इन वालों ने की है और इनके ये रहे बच्चे, तो अपन ना इनके इर्द गिर्द ही सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इसको मारो गोली, इसको भी मारो गोली, इसको भी मारो गोली, इन तीनों बच्चों को। ये बच्चे अच्छे हैं, इस वाली बच्ची ने ना शादी की है। ठीक है, तो अपन सारी कहानी इसके इर्द गिर्द करते हैं। ठीक है, तभी हम F3 जनरेशन यहाँ पे कर पाएंगे ना, इनकी तो F3 जनरेशन आएगी नहीं, तो इतना क्लियर कट अपन को वो नहीं मिलेगा सोल्यूशन। तो अब मेल इफेक्टेड है और यहाँ पे कौन हुई है, बेटी इफेक्टेड, बेटी भी इफेक्टेड, मेल से सिर्फ डॉटर में गई है। तो मुझे पहले ये जवाब चाहिए, मेल से सिर्फ और सिर्फ डॉटर में गई है तो कौन सी है, पहले मुझे आंसर दो। मेल से सिर्फ डॉटर में गई है तो क्या ये ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है, मुझे ये बताओ, आंसर ये दो। मैं एक्सप्लेन भी कर रही हूँ ना बच्चा, तो ये सेक्स लिंक्ड है या क्या है। वेरी गुड, क्योंकि ये मेल से सिर्फ और सिर्फ डॉटर में गई है तो ये है एक्स लिंक्ड। ठीक है बच्चा, और यहाँ पे जो फीमेल है, यहाँ पे मेल खुले में बोल रहा है कि भाई मैं तो अफेक्टेड हूँ, तो इसने क्लियरली बता दिया मेरी जो बेटियां हैं वो भी अफेक्टेड है। अब ये जो बेटी है बच्चा, ये जो बेटी है ना, ये खुद भी अफेक्टेड है, तो इसकी जब शादी हुई अनअफेक्टेड मेल से, तो इसने चार बच्चे दिए। तो अब इसने जब चार बच्चे दिए ना, तो चार बच्चों में दो अफेक्टेड आ गए, कौन से बच्चे, दो अफेक्टेड आ गए, दिख रहा है, एक उसकी बेटी अफेक्टेड हो गई है और एक उसका बेटा अफेक्टेड हो गया है। ठीक है, तो भाई इसने क्लियरली बताया मेल ने कि मैं था, अगर ये देखो रिसेसिव वाला एग्जाम्पल हम लेते तो पहली बात ये खुद को बता ही नहीं पाता, और रिसेसिव होने के लिए क्या होना पड़ता, इसको मेल को और फीमेल को, इन दोनों को कैरियर होना पड़ता, तब जाके इनका जनरेशन F2 जनरेशन आता अफेक्टेड। ठीक है, फिर ये होता कि ये दोनों भी बनते कैरियर, ये फिर फीमेल अफेक्टेड नहीं दिखती बच्चा, ये फीमेल भी फिर कैरियर ही दिखती हमें ऐसे, और फिर इनके बच्चे हमें अफेक्टेड दिखते। पर क्योंकि यहाँ पे इसने बता दिया कि मैं अफेक्टेड हूँ,
मेरी दोनों बेटियां अफेक्टेड है। फिर उसकी बेटी ने की है शादी, तो उसकी बेटी ने भी क्लियरली बता दिया कि मैं तो हूँ अफेक्टेड, और उसका बेटा और उसकी बेटी वो क्लियरली जाके दिख रहे हैं अफेक्टेड। यहाँ पे कोई कैरियर का लेना देना नहीं है, तो डिजीज क्या हो गई है, क्लियर है बच्चों, क्लियर है। ये सबसे टफेस्ट एग्जाम्पल था, सबसे टफेस्ट एग्जाम्पल था, इससे ज्यादा टफ एग्जाम्पल कोई नहीं है। और मुझे लगता है अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो तो मेरी स्ट्रिक से अब आप कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो अब क्या करना, अब बंडल्स ऑफ क्वेश्चन उठाना और ये ट्रिक लगाना, एक्स लिंक, ऑटोसोमल, और एक्स और क्या नाम है, डोमिनेंट और रिसेसिव वाली, और ना क्लियर कर लेना, और फिर आप मेरे से डाउट पूछना, ठीक है बच्चों। नहीं बच्चा, सेक्स डिटर्मिनेशन तो F1 पे आप कर लोगे ना, ऑटोसोमल देखो बच्चा, फिर तो आप ये कहोगे अगर ऑटोसोमल है मैम, तो फिर तो अगर फीमेल से इस बेटी से, अगर इस बेटी से अगर इसके बेटे और फीमेल में आइए तो ये ऑटोसोमल हो गई। ऐसा नहीं है बच्चा, ये यहाँ पे डिनोट कर रहा है कि ये डोमिनेंट है, तभी ये यहाँ पे आराम से आ गई है। यहाँ से अगर हम ना डिटर्मिनेशन एक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल, वो हम यहीं से डिसाइड कर ले रहे हैं, यहीं से डिसाइड कर ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे अगर आप बोलो कि मैम ये एक्स लिंग है, तो मैं आपको बता रही हूँ अपन ने क्या बोला, ये एक्स लिंग है, यानी फीमेल से ये मेल में जा रही है, ठीक है। ऐसा यहां तक देख सकते, ऐसा यहां तक हमने यहाँ पे कंसिडर उसको किया है डोमिनेंट वाला फैक्टर को देखने के लिए। पर देखो आप ऐसे याद रखना कि एक्स लिंक का जानने के लिए ना आप F1 से F2 तक ही डिसाइड कर लो, क्योंकि फिर आगे वाली आने वाली जनरेशन, जैसे लाइक ये है, अब ये शादी इसने की है एक मेल से, तो इनके जो बच्चे आएंगे ऑब्वियसली बात है ना, उनका तो अलग चलेगा। मेरे जो बच्चे हैं वो थोड़ी जिंदगी भर ऑटोसोमल चलेंगे, उनके अंदर तो वो जो चीज है वो एक्स लिंक हो सकती है ना। तो हम जो डिसाइड कर रहे हैं वो ऊपर के बेसिस पे आप एक्स लिंक डिसाइड करना, और डोमिनेंट है यानी कि वो अपने आप को शो कर पा रहा है, यानी अभी आपका कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा, पर जैसे जैसे आप बहुत सारे क्वेश्चन कर लोगे ना, ये तो बहुत टफ एग्जाम्पल था, मैंने क्या बोला सबसे टफ एग्जाम्पल था, इसलिए आपको कंफ्यूजन आ रहा है। पर आप बहुत सारे क्वेश्चन कर लोगे ना, तो ये आपके टिप्स पे हो जाएगा कि मैम कब देखना है डोमिनेंट वाला और कब देखना है एक्स लिंक्ड वाला। तो मेरी मानो इस क्लास के बाद ना ये सारे क्वेश्चन बहुत सारे कर लेना, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। गुनगुन तिवातिया, और फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो मुझे बताना, आई एम देयर फॉर यू बच्चा, ठीक है। मजा आया बच्चों चैप्टर पढ़ने में, क्लियर हुआ सबको, तो आज आपका सबसे हार्ड चैप्टर यू नो खत्म हो चुका है, सबसे हार्ड जो बच्चों को समझ नहीं आता। है ना, तो बच्चा कल अच्छे से टेस्ट परफॉर्म करना, और फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बच्चा बाटी, एकदम बढ़िया बढ़िया, चलो अच्छा है ना, तो अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, चलो बच्चों, तब तक बाय बाय, बाय बाय बच्चा। ब्रीफ में अगर बच्चा ब्रीफ में बताने बैठी, तो मैंने कल पूरी क्लास में ना सिकल सेल एनीमिया और यही बताया था, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं कराया कल, सिकल सेल एनीमिया और क्या नाम है आप जो पूछ रहे हो ना, ये सिर्फ उसी में बताया था मैंने, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस बच्चा दो चीजें होती है कलर ब्लाइंडनेस में, कि आपको ग्रीन और रेड कलर दिखना बंद हो जाता है, ठीक है, रेड और ग्रीन कलर दिखना बंद हो गया तो कलर ब्लाइंडनेस है। तो ये है एक तो सेक्स लिंग रिसेसिव, यानी सेक्स लिंग है, फादर से बेटी में जाएगी, मदर से डॉटर, मदर से सन में जाएगी। एक मेल्स ज्यादा इफेक्टेड होते हैं, फीमेल्स कम इफेक्टेड होती है। हाँ बच्चा मेरा अभी कौन थी, किसने पूछा था, एक सेकेंड, गुनगुन, हाँ गुनगुन आपको वाला कंसेप्ट याद है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था सेक्स लिंग रिसेसिव डिसऑर्डर जो होता है, सेक्स लिंग रिसेसिव जो डिसऑर्डर होता है उसके अंदर क्या होता है, मेल ज्यादा इफेक्टेड होता है कंपैरेटिवली टू फीमेल, है ना। तो आपको वो भी चीज याद रखनी है कि जब आप क्वेश्चन करो ना, तो जैसे अपन ने देखा कि मैम आगे प्रोबेबिलिटी, ये तो ऑटोसोमल हो गया, ये सेक्स लिंग से ऐसा कैसे हो गया, तो वो भी आपको प्रोबेबिलिटी देखनी होती है कभी कभार, कि F2 से F3 में जाते वक्त ना
मैं F2 से F3 F2 से F3 में जाते वक्त मतलब तो चीजें थोड़ी चेंज हो जाती है, तो वो कैसे, अगर सेक्स लिंक रिसेसिव है तो हो सकता है, हमने F1 से F2 में देखा है कि मदर से वो सन में गई है, फादर से डॉटर में आई है, पर थर्ड जनरेशन में वो फादर से फादर में जा रही है, मदर से डॉटर में जा रही है। तो ये भी हो सकता है कि देखो सेक्स लिंक रिसेसिव में ना मेल ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, फीमेल्स कम अफेक्टेड होती है, तो ये भी आपको एक पॉइंट है जो कंसिडर करके चलना है, ठीक है। और सिकल सेल एनीमिया बच्चा ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव होता है, इसके अंदर ना बहुत दोनों पेरेंट्स जब रिसेसिव फॉर्म में होंगे, दोनों मतलब कैरियर फॉर्म में होंगे, तभी आगे वो कैर डिजीज कैरी फॉरवर्ड होगी, ठीक है बच्चा। बहुत सारा है इसमें पढ़ने के लिए, जितना पढ़ो उतना कम है। मैंने कल पूरा लेक्चर ये सिर्फ जो उसने पूछा है ना, किसने बच्चे ने पूछा, मेरे एक सुमन ने, कल मैंने सिर्फ 1-1.5 घंटे में ये सिर्फ जो आपने पूछा ना सिर्फ यही पढ़ाया। तो बच्चा ये वाला आपको पूरा रिकॉर्डेड उसमें देखना पड़ेगा, पूरा डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया था और शॉर्ट में मैंने अभी बता ही दिया, ठीक है। तो बच्चा करें क्लास खत्म, फटाफट पढ़ना शुरू कर दो, उसके बाद कल टेस्ट अच्छे से परफॉर्म करना है आपको, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन, टेस्ट बहुत इजी है, ध्यान से करना, बहुत सॉर्टेड है, बहुत इजी है इस बार का टेस्ट, ठीक है। चलो बच्चा बाय बाय, बाय बाय एवरीवन, बाय बच्चों।